हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीआर क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.1 का प्रथम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर होगी। ए और ये होगा बी। उसके बाद ए से यहाँ से किरण खींचते हैं एक्स तक, न्यूनकोण बनाते हुए। यहाँ पे इसका नाम एक्स रख देंगे। अब ए से एक्स के बीच कोण, ए से एक न्यूनकोण बनाते हुए एक हम किरण खींचे हैं जो ए से चल के कहाँ तक जाती है, एक्स तक गई है। अब ए और एक्स के बीच हम 13 चाप काटेंगे, बराबर चाप, क्योंकि 5 और 8 जोड़ने बाद कितना आएगा, 13। यानी टोटल हमें ए और एक्स के बीच 13 बराबर चाप काटना है। 1, 2, जैसे कि हम ए से एक्स के बीच 13 बराबर चाप काट चुके हैं तो क्या हो जाएगा, बिंदु A1 हो जाएगा। ये बिंदु A1, इस बिंदु का नाम हो जाएगा A2, A3। अब ये 13 को B से मिला देंगे, ये 13 को B से मिला देंगे। अब ये 13 से हम एक इस तरह चाप काटेंगे, उसी प्रकार ये 5 से भी हम एक यहाँ चाप काट लेंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ से ये X जो रेखा है यहाँ से मापते हुए, यहाँ ये भी A और A3 रेखाखंड को इस तरह माप लेंगे हम। यहाँ से देखिए माप लेंगे हम कितना है यहाँ पे। अब यही माप को लिख के यहाँ पे हमें काटना है एक चाप, इतना काटने के बाद अब A5 से और ये चाप, ये जो बिंदु दिख रही है यहाँ से होते हुए एक रेखाखंड खींच देनी है हमें। A5 से होते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ पे, और इसका यहाँ जो कटा ए और बी के बीच जो एक बिंदु कटा इसका नाम क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। अब देखिए ये जो रेखाखंड थी ए बी, ये कितनी लंबाई थी इसकी, 7.6 सेंटीमीटर। अब ए और सी और सी और बी का अनुपात जो 5:8 में टूट चुका है। देखिए A5 कितना हुआ, A5, और यहाँ से ये 13, यानी कि 5 और 13 के बीच कितना आ रहा, 8, और ये 5 के बीच कितना आ रहा, 5, यानी कि ये 5 और ये 8, 5 और ये 8 के अनुपात में टूट चुका है। यानी कि ए और बी जो रेखाखंड थी वो 5:8 में विभाजित हो चुका है। अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। रचना के चरण, पहला नंबर में लिखेंगे, सबसे पहले क्या किए, ए और बी एक रेखाखंड खींचे जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर थी। तो लिखेंगे यहाँ रेखाखंड ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरे नंबर पर लिखेंगे ए से एक रेखा ए एक्स खींचा जहाँ कोण BAX न्यून कोण है। तीसरे नंबर पे लिखेंगे AX पर 5+8 बराबर 13 बराबर बिंदु
का चाप काटा। चौथा नंबर में लिखेंगे, ये 13 को बी से मिलाया और ये 5 पर ये 13 के बराबर कौन बनाते हुए एक रेखा A5C खींचा जहां A13B समांतर A5C है। पांच नंबर, अतः AC अनुपात CB बराबर 5:8 है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों भागों को मापिए। अब माप लेते हैं A और C की दूरी और C और B की दूरी। A और C के बीच की दूरी है 2.9 सेंटीमीटर और सी और बी के बीच की दूरी है 4.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे मापने पर ए और सी के बीच की दूरी कितनी आई थी, 2.9 सेंटीमीटर और बी और सी के बीच की दूरी कितनी आई थी, 4.7 सेंटीमीटर। मैंने इस रचना को कलम से बनाया है, आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि इसे आप पेंसिल से ही बनाएं ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप उसे इरेज करके फिर से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम में पेंसिल से ही इस रचना को बनाएंगे।